ब्रूसरो आर्टिस्ट लैपटॉप ड्राइंग पेंटिंग बॉक्स विद अ पैलेट काफी बड़ा नाम है। जितना बड़ा इसका नाम है क्या इतने ही इसके फायदे हैं? चलिए देखते हैं पूरे डिटेल में इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स द वीडियो गेट स्टार्टेड। सो गाइज ये रहा हमारा वुडन बॉक्स और काफ़ी अच्छी फिनिश है, काफ़ी अच्छे से ये फील हो रहा है जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और मैंने तो सिर्फ एक वुडन बॉक्स बुलाया था, इसके साथ में मुझे दो गिफ्ट्स भी मिले। तो ये दो वाटर कलर ट्यूब्स है, नॉट एग्जैक्टली दो वाटर कलर ट्यूब्स बट एक वाटर कलर ट्यूब और एक है गॉश ट्यूब। सो ये भी जो है ब्रूसरो की तरफ से ही आए हैं। तो ये छोटे से गिफ्ट्स उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो जो हमें दिए हैं। अगर हम आउटर लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छे वुड फिनिश में हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। इसकी जो बिल्ड एंड फिनिशिंग है वो तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आई डोंट नो आपको ये कैसे समझेगा बट जैसे कि मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छी जो है इसकी वुड क्वालिटी लगी है मुझे। और इसके जो हिंजेस है वो भी काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं। और अगर आप इनके हिंजेस की तरफ नज़र डालोगे तो इनके जो हिंजेस है वो गोल्डन कलर में आपको पेंटेड मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट्री लुक इस वुडन बॉक्स को देते हैं। इसका जो हैंडल है वो एक आर्टिफिशियल लेदर कह सकते हो, जिसका यूज़ करके इसको अच्छे से बनाया गया है। काफ़ी वेल क्राफ्टेड मुझे इसका जो हैंडल है वो लगा है। और दोनों साइड में आपको हिंजेस मिलेंगे और सिमिलर हिंजेस आपको बैक में भी मिलेंगे। सो ये तो हो गई इसके आउटर लुक की बात। और चलिए अभी फटाफट से इसके अंदर में हमें क्या क्या मटेरियल्स देखने को मिलते हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। अभी आपको वन बाय वन सारा कुछ जो है दिखा देता हूँ। सो पहली चीज़ हमें मिलती है क्रेटा कलर की एक छोटी सी बुकलेट। आई डोंट नो ब्रूसरो के साथ में ये क्रेटा कलर के इन्होंने बुकलेट क्यों दी है, मे बी इनकी कुछ स्पॉन्सरशिप होगी उनके साथ, सो दैट्स व्हाई इन्होंने दिया है। सो लेट्स कीप इट असाइड। नेक्स्ट हमें मिलते हैं ब्रूसरो के पीवीसी इरेजर्स, ये नॉर्मली इरेजर्स है जो हमें शॉप में मिलते हैं। उसके बाद हमें मिलता है नीडेड इरेजर्स, ये भी ब्रूसरो की तरफ से ही है अलॉन्ग विद सिलिका जेल। चलो इसको भी अभी साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है प्रोफेशनल फाइन लाइनर्स जो कि है 0.5 mm में। बाद में हमें देखने को मिल जाते हैं ब्रूसरो की तरफ से पेपर स्टम्प्स जो कि अलग अलग साइज में हमें देखने को यहाँ मिल जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रूसरो के 200 GSM मीडियम सरफेस पेपर। सो दिस पोर्टेबल लैपटॉप बॉक्स इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग A4 साइज पेपर्स। सो यहाँ पे आपको A4 साइज की ये ब्रूसरो के पेपर्स भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वाटर कलर पेपर जो कि आते हैं A5 साइज में। एंड एट लास्ट आपको देखने को मिलेंगे ग्रेफाइट पेंसिल्स। तो अगर आप इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो ये पुराने वाले जो ग्रेफाइट पेंसिल्स है पुराने पैकिंग में वो है, अभी जो लेटेस्ट पैक है वो आपको टीन बॉक्स में देखने को मिलेगा, तो जिसमें मेरा आर्टवर्क भी फीचर्ड है। और उन पेंसिल्स पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपको वो देखना है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमें इस बॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको वन बाय वन इसके जो जितने भी कंपार्टमेंट्स है वो सारे कंपार्टमेंट्स आपको बता देता हूँ और आप कितना सामान इसमें स्टोर कर सकते हो वो सारे डिटेल में आपको बता देता हूँ। सो कहने का तो ये ईजल है बट ये काफ़ी पोर्टेबल जैसा बनाया गया है और ये लैपटॉप के जैसा ही ओपन होता है, जैसा कि इसका नाम ही है लैपटॉप ड्राइंग बॉक्स। इसके जितने भी फिजिकल डायमेंशन है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि अगर आप इसको लेना चाहते हो तो क्या डायमेंशन में आपको मिलेगा। सो एक काफ़ी पोर्टेबल सा जो ईजल है और इसके अंदर में आपको एक जो है पैलेट भी मिलता है, पेंटिंग पैलेट। तो अगर आप एक्रेलिक या फिर वाटर कलर या फिर कोई भी पेंटिंग बनाते हो तो आपको वो एक अलग से पैलेट कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो इसी का जो ये पैलेट है वुडन पैलेट है, ये अराउंड 2 mm इसकी थिकनेस होगी। तो ये वुडन पैलेट यही से ऐसा स्लाइड करके निकल सकता है और यहाँ से आप जो है इसको एज अ पेंटिंग पैलेट यूज करके जो भी आपकी पेंटिंग है उसको बना सकते हो। सो ये एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी इस बॉक्स के बारे में। और ये अगर आप टेबल पे ऐसा रखोगे ना और इसके ऊपर कुछ सामान रखोगे तो भी ये काफी प्यारा लगता है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपको नज़दीक में आउटडोर पेंटिंग के लिए जाना है, आउटडोर स्केचिंग के लिए जाना है तो आप इसको लेके जा सकते हो, काफ़ी कूल भी लगेगा। और जितने भी आपके आर्ट मटेरियल्स है वो सारा कुछ है एक ही साथ में आप कैरी कर सकते हो। सो गाइज इसमें दो हमें लॉन्ग कंपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप जो लॉन्ग पेंस है या फिर जो भी आपके पेंसिल्स है वो आप रख सकते हो, ग्रेफाइट पेंसिल्स, चारकोल पेंसिल्स, इलेक्ट्रिक इरेजर या फिर जितने भी आपके मैकेनिकल पेंसिल्स है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। एंड इसमें जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें आपको 3 अलग से कंपार्टमेंट्स मिलेंगे जो कि इक्वली डिवाइडेड है। और इन तीनों कंपार्टमेंट्स में आप छोटे छोटे इरेजर्स
रख सकते हो, या फिर जितने भी आपके क्यू टिप्स है या जितने भी छोटी चीज़ें हैं, छोटी पेंसिल्स है, वो सारे आप यहाँ पे रख सकते हो। तो काफ़ी ओवरऑल वेल अरेंज जो है इसके जो कंपार्टमेंट्स है वो दिए गए हैं। इसके जो ऊपर है वो आपको एक आर्टिस्ट का पैलेट मिलता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। और इस आर्टिस्ट पैलेट के ऊपर में भी आप कुछ मटेरियल्स रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे A4 साइज के पेपर्स जो है आराम से आ जाते हैं। सो जो यूटिलाइजेशन है स्पेस का वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, सारा सामान आपका एक ही बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे लगा इस बॉक्स के बारे में। तो गाइस इसकी जो प्राइस है वो है 1499, इट मीन्स अराउंड 1500, और ये मुझे डिस्काउंट में पड़ा, तो मैंने इसको अराउंड 1399 मतलब 1400 में इसको परचेस किया है। अगर आपको परचेस करना है तो मैं डायरेक्ट परचेस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ चाहिए तो मेक श्योर टू अप्लाई माई कोड दैट इज SEED10, और आप ये SEED10 कोड को किसी और प्रोडक्ट पे भी अप्लाई करके जो है 10% डिस्काउंट ले सकते हो। बट ये कोड सिर्फ क्रिएटिव हैंड्स वेबसाइट पे ही चलेगा, तो अगर आप Amazon से परचेस कर रहे हो तो उसकी भी जो है डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट मेक श्योर गाइज वहां पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ के लिए आपको creativehands.in से ही परचेस करना पड़ेगा। तो आपको ये पेंडिंग बॉक्स कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्केचिंग, बाय बाय गाइस।